जिला कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रम आदित्य सिंह और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह कुल्लू पहुंचे हैं। ऐसे में सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं शुक्रवार सुबह उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और धरोहर देव नीति की वजह से ही है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इसकी पहचान है और इस धरोहर को बचाए रखना हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण कुल्लू जिला में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में उस दृष्टि से ऐतिहासिक दशहरा पर्व को देखते तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेला एक महत्वपूर्ण है जो कड़ी का काम करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल की अर्थव्यवस्था बेहतरीन होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। देव समाज है वो पूरे देश में और विश्व में प्रसिद्ध है और ये हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है। मैं समझता हूँ कि देव नीति की वजह से ही कुल्लू की एक अलग पहचान पूरे प्रदेश में है और उसको बचा कर रखना, साथ ही साथ अटूट विश्वास और जो है एक विश्वास लोगों का, खास करके युवाओं का, उसके प्रति, देव समाज के प्रति बना रहे, ये हमारा दायित्व भी बनता है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत उत्थान यहाँ के देव समाज का किया, चाहे वो नजराना देवी देवताओं के कारदार को देने की बात है, भजंत्रियों को देने की बात है, देव सदन जो आज यहाँ पर बना है वो भी उन्हीं की सोच की वजह से कुल्लू के अंदर बना है। और वर्तमान में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखू जी और समस्त यहाँ के जो हमारे विधायकगण हैं, आगे बढ़ाने का देव समाज को प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके जो अभी आपदा आई है प्रदेश के अंदर, उसके बाद बहुत नुकसान खास करके कुल्लू ज़िला का हुआ, उस दृष्टि से भी अगर हम इस ऐतिहासिक दशहरे के पर्व को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वापस हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी का काम कर रहा है। और इसमें जिस तरीके से इस बारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहाँ पर जो है अपनी प्रदर्शनी देने के लिए आए हैं, कार्निवल में आए हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत से देशों से आए हैं और निश्चित तौर से आने वाले समय में उससे हमारे देश का, इस क्षेत्र का जो है इकोनॉमिकली यहाँ का अर्थव्यवस्था में जो है वो बेहतरीन होगा और प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर से उनके परिवार से, उनकी माननीय धर्मपत्नी से हमारा संपर्क हुआ था और हम, क्योंकि पिछले कल वो अस्पताल में थे IGMC में, उस समय हम शिमला से निकल गए थे, अब मैं वहाँ पे जा नहीं पाया अस्पताल में, मगर उनकी शुभकामनाएं, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ से जितने भी समस्त देवी देवता हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्द से जल्द वो ठीक हों। और मुझे विश्वास है कि वो अब जो एम्स गए हैं सेकेंड ओपिनियन के लिए, वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर वापस लौटेंगे और प्रदेश में जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको और मजबूती से आने वाले समय में करें। अभी जो इसका हमारा कुल्लू दशहरे की क्लोजिंग सेरेमनी में भी उन्होंने यहाँ पर आना है, तो मुझे विश्वास है तब तक वो बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।